लेकिन इन तीन थिंकर्स के बाद आयोनिया में थिंकिंग ट्रेडिशन खत्म हो गई। कोई बड़ा आदमी थिंकिंग करने वाला उस आयोनिया प्रांत में पैदा नहीं हुआ। अब आयोनिया प्रांत से आगे आने लगी है सारी की सारी, एथेंस की तरफ को चलने लगी। एथेंस जो है सेंट्रल यूनान है, यूनान का जो सेंट्रल हिस्सा है, मेन हिस्सा है, वो एथेंस है। एथेंस के पास है स्पार्टा। स्पार्टा में और एथेंस में हमेशा लड़ाई रहती थी। एथेंस वाले लोग बहुत ऊंचे विचारक थे, बहुत ऊंचे सोचने वाले थे, और इतने सोचने वाले थे कि उनके बारे में हमारे थिंकर ये कहते हैं कि वो इतना सोचते थे दैट देयर हेड, उनके सर जो थे वो इतने बड़े हो गए सोच सोच के, थिंकिंग कर गए, कि देयर आईज वर क्लोज, देयर हेड्स वर स्वेलन बट देयर आईज वर क्लोज। वो विचार ही विचार करते थे, थिंकिंग ही थिंकिंग करते थे, बाहर की दुनिया क्या है क्या नहीं बस विचारों की दुनिया बना दी उन्होंने। तो बहुत ऊंचे ऊंचे विचार एथेंस ने बना के दिए। लेकिन एथेंस का क्या हुआ कि स्पार्टियंस ने एथेंस पर हमला किया। बहुत बड़ी इस पर कहानियां लिखी गई हैं। होमर और हेसायड ने बड़े बड़े एपिक पोइट्री लिख दिए हैं। हेलन ऑफ ट्रॉय, ये तो अंग्रेज़ी का सबसे पुराना बहुत बड़ा एक साहित्य का सबसे ऊंचा नावल या एपिक कहनी चाहिए, एपिक है कि ट्रॉय को जीतने के लिए, हेलन ऑफ द ट्रॉय को जीतने के लिए क्या क्या लड़ाई हुई। तो स्पार्टियंस जो थे ये बहुत तकड़े होते थे। जब यूनान पर हुआ हमला तो यूनान, एथेंस बिल्कुल हार गया। तो उन्होंने कहा अब ऐसे लोग पैदा होने चाहिए, अब थिंकिंग से काम नहीं चलेगा, हम विचार तो करते थे। क्योंकि उसने एरिस्टोटल ने इनका इनको इन पर कमेंट करते हुए कि क्यों हारे, उसने कहा कि इंटेलेक्चुअल आदमी जो होता है वो लड़ नहीं सकता। इंटेलेक्चुअल आदमी आज भी हमारे यहाँ हैं जो पढ़े लिखे आदमी हैं, वो कहीं डंडा ले कर लाठी ले कर लड़ने नहीं जाते, वो कलम से लड़ते रहते हैं, इसके खिलाफ ये लड़ दो, इसके खिलाफ ये लड़ो। और उन्होंने कहा कि जो ऐसे हैं लड़ने वाले वीर योद्धा होते हैं उनके अंदर इंटेलेक्ट की कुछ कमी होती है, इंटेलेक्चुअल ज़्यादा नहीं होते वो। पर भारत में तो ऐसे लोग जो योद्धा भी हैं इंटेलेक्चुअल भी हैं, इसलिए भारत पर ये लागू नहीं होता, ये यूरोप पर लागू होती है उनके जो बात है सारे। लेकिन वो लोग इतने, तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग पैदा करने चाहिए। तो स्पार्टा वालों ने उसको तय करने के लिए अपना किया। अब स्पार्टियन हेल्थ तो सारे अंग्रेजी साहित्य में, ये भी हम जब ऐसे अंदाज की बात कहेंगे कि जो अंग्रेज़ी ईडीएम को या अंग्रेज़ी भाषा को नहीं जानते वो यूरोप की फिलोसफी को नहीं समझेंगे, क्योंकि एक ईडीएम है स्पार्टियन हेल्थ। स्पार्टा जैसे हेल्दी आदमी दुनिया में पैदा नहीं हो सकते। स्पार्टियंस क्या करते थे कि जिस दिन बच्चा पैदा होता था उसको ले जाते थे और ओलंपिया पर्वत पर रख जाते थे। ओलंपिया पर्वत पर रात को चील कौए और जो भी उल्लू वगैरह जो भी हों वो उस बच्चे को खा जाते थे, वो बच्चा मर जाता था। तो सुबह ही जाते थे, अगर बच्चा मर गया तो उसको घर नहीं लाते थे, अपशगुन हुआ, और उसको उठा करके वहीं समुद्र में, जो वहाँ समुद्र था बड़ा रेड सी है, उसमें फेंक देते थे बच्चे को। और जो बच्चा सरवाइव कर जाता था उसको ले आते थे कि जब इसने रात को इतनी सर्दी उर्दी सब बर्दाश्त कर ली और इसको सब बर्दाश्त कर लिया तो ये आदमी, तो वो आदमी जो थे बड़े वीर बनते थे। और स्पार्टियंस ने किया भी यही कि जहाँ एक बार भी आक्रमण कर दिया विध्वंस कर दिया उन जगहों को। लेकिन स्पार्टा में कोई इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं हुआ, इसीलिए एरिस्टोटल ने ये कमेंट किया है। लेकिन वीर बहुत थे, तो एथेंस की रक्षा करने के लिए स्पार्टियंस पैदा हुए। अब थिंकिंग कहाँ से आएगी? थिंकिंग आएगी एथेंस से। एथेंस जो था वो दो भागों में, सोचने वालों में दो भागों में बट गया। एक भाग तो वो था जो सूफिया के मंदिर में जाते थे, जो सूफिया के मंदिर में जाने वाले थे वो अपने आप को फिलोसफर कहते थे, और जहाँ वो सूफिया के मंदिर में बैठ के ज्ञान बांटते थे उसको कहते थे एकेडमी। आज भी लोग स्कूलों को एकेडमी लिख देते हैं लेकिन ये एकेडमी नहीं है। एकेडमी का मतलब जहाँ दिव्य ज्ञान बांटा जाता है,
जहाँ परम सत्य का ज्ञान बांटा जाता है वो एकेडमी है, और दूसरे लोग थे वो कहलाते थे सोफिस्ट। ये सोफिस्ट जो थे इन्होंने चलाए हुए थे अपने ओरेकिल, ओरेकिल माने मदरसे स्कूल। वो ओरेकिल में जो नॉलेज देते थे वो नॉलेज थे जीवन यापन की नॉलेज, इकोनॉमिक्स और लॉ पढ़ाते थे। तो ये एकेडमी वाले कहते थे कि ये जो है गॉस्पेल ऑफ मैमन पढ़ाते हैं, शैतान की पुस्तक। गॉस्पेल माने बाइबल तो है धर्म पुस्तक, और इकोनॉमिक्स है शैतान की पुस्तक, असुरों का ज्ञान। जो असुर लोग हैं वो सिवाय पेट भरने के, उदर पूर्ति के और कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करते। तो वो कहते थे कि उदर पूर्ति का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं होता। सारे पशु दुनिया में हमने भूखे मरते नहीं देखे, कुत्ता, सुअर, चिड़िया, कौआ, ये कहीं ना कहीं अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन किसी ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी। तो इकोनॉमिक्स कोई ज्ञान नहीं है, इकोनॉमिक्स असरों का ज्ञान है। उदर पूर्ति का ज्ञान ज्ञान नहीं होता। आज भी ये बात सच है कि एक सब्जी बेचने वाला आदमी एक क्लर्क से ज़्यादा पैसे कमा लेता है। एक आदमी जो मैनेजर था, जहाँ हमारा झगड़ा हो गया था, तो हमने वहाँ ये कह दिया था कि टीचर दुनिया में बड़ा सम्मानित है, गुरु की बड़ी पूजा होती है, और मैंने कहा टीचर को अगर आप इंडिपेंडेंस नहीं देंगे तो देश का सुधार नहीं हो सकता। तो मैंने कहा एक जगह ऐसी थी कि हम वहाँ गए और वो मैनेजर साहब जो थे आए तो टीचर को कहने लगे, मास्टर जी आप ठीक नहीं पढ़ाते। मास्टर जी ने कहा जी मैं तो ठीक पढ़ा रहा हूँ, नहीं इस तरह नहीं पढ़ाते। तो मैंने कहा वो जो मैनेजर था वो ऐसा था जो 3 बार मैट्रिक में फेल हुआ था, तो उसके बाप ने उसको भिंडी की आड़त करा दी थी, और भिंडी की आड़त ने उसने कोठी में पैसा इकट्ठा कर लिया, उस पैसे के बल पर वो मैनेजर बन गया। उस मैनेजर को क्या पता, अगर उसको पता होता शिक्षा क्या होती है तो 3 बार क्यों फेल होता। तो वहाँ जो बाई चांस मैनेजर थे वो भिंडी के व्यापारी थे, वो खड़े हो गए, कहते बिजनेस इतना आसान होता है, किसी मास्टर से कहो अगले दिन मकान बिकवा देगा, इसको क्या पता कैसे बिजनेस होता है, आप कह रहे हो मास्टर का सम्मान होना चाहिए। तो ये लोग जो थे, जो ये थे जो फिलोसफर थे, ये कहते थे कि तुम्हारा जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, और वो कहते थे कि हमारा ज्ञान असली ज्ञान है। ख़ास तौर से लॉ के बारे में वो ये कहते थे कि तुम लोग जो थे कायर हो सारे एकेडमी वाले, क्योंकि तुम लोगों को कहते हो कि रिजिड लॉ का पालन करो जीवन में तभी होगा। तो जो वीक एट हार्ट होते हैं वो लॉ का रिजिड पालन करते हैं। अगर लिखा हुआ है कि बाईं तरफ चलो तो वो अपनी साइकिल को ज़रा सा भी इधर नहीं करेगा, जो डरपोक आदमी है। लेकिन जो वाइज मैन है, जो बुद्धिमान आदमी है, वो बुद्धिमान वो है जो लॉ में से फ्लो निकाल ले, हर एक लॉ में क्या कमी है वो निकाल ले। तो कहते हैं हम वो लॉयर पैदा करते हैं, वाइज मैन। तो वाइज मैन उसको कहते थे जो फ्रॉड कर सके, धोखा कर सके। हमारे उन्होंने लिखा भी है अकबर इलाहाबादी ने कि हर आदमी को ये कहता है कि मैं भगवान का पुत्र हूँ, भगवान मेरे पिता हैं और मैं भगवान का पुत्र हूँ। तो जो सैटन था वो परेशान था, मेरा एक भी पुत्र नहीं। कोई आदमी नहीं कहता मैं सैटन का पुत्र हूँ, सैटन का बेटा हूँ। सब अपने आप को गॉड का पैदा करते हैं। तो कहता वह पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, जिस दिन ये वकील पैदा हुए तो शैतान ने कहा, पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहब औलाद हो गए, हमारी भी औलाद पैदा हो गई। तो वो अपने आप को जिनको वाइज कहते थे, ये फिलोसफर उनको कहते थे कि ये लोग तो शैतान की औलाद हैं जो तुम पैदा कर रहे हो। तो दोनों में बड़ा आपस में कन्फ्लिक्ट चलता रहता था। वो एकेडमी थी, ये ओरेकल थे। लेकिन ये ओरेकल वाले ये पूछते थे एकेडमी में जा कर के कि ये बताओ कि हमारा जो शिष्य है, जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, जिनको हम बड़ा बड़ा बुद्धिमान कहते हैं कि लॉ वाला वो है। अब एक आदमी यही था, कोर्ट में केस गया कि जिस पर चालान कर दो इस आदमी का। क्या चालान है कि ये मिलावट करके दूध बेच रहा था, दूध में मिलावट की थी इसने, ये इस पर एक केस बना दिया। तो वकील गया, उसने कहा वकील ने कि सर इंडियन पिनल कोड में लिखा हुआ है कि दूध में जो पानी मिला करके बेचेगा उसको इतनी सज़ा होगी, लेकिन इसमें दूध में पानी नहीं मिलाया,
इसमें पानी में दूध मिलाया। वो जो रिपोर्ट आई वो कहती है 70% पानी था, 30% दूध था। तो पानी में दूध मिला के बेचना कोई क्राइम नहीं है। तो वकील थे, तो ये उनको कहते थे ओरेकल वाले के वकील वो है जो वाइज मैन हो। ये कहते थे वाइज मैन नहीं है, वो तो शैतान की। तो इसलिए बड़ा झगड़ा चलता था। लेकिन इन्होंने ओरेकल वालों ने एक दिन उनसे पूछा कि हमें ये बताओ, सुकरात से पूछा कि हमें ये बताओ कि हमारे शिष्य भी जब हम किसी को पूछते हैं कि हु इज़ द वाइजेस्ट मैन इन आवर कंट्री, तो वो सारे के सारे कहते हैं सोक्रेटिस इज़ द वाइजेस्ट मैन ऑफ द कंट्री। तो आपको क्यों वाइजेस्ट कहते हैं वो जबकि शिष्य हमारे हैं? तो सुकरात ने कहा कि मैं क्या जानता हूँ, वो बड़े नम्र थे सुकरात बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा मैं क्या कह सकता हूँ, तो आप अपने शिष्यों से ही पूछो कि आपके शिष्य जो हैं वो मुझे क्यों महान बताते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सो कोई ना कोई तो बात होगी। उन्होंने कहा मैं एक डिफरेंस तो बता सकता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माई सेल्फ एंड योर सेल्फ। अब उस कारण से अगर वो मुझे महान कहते हो तो आप अपने चलो। उन्होंने कहा जी वही बताओ। कहते यू नो दैट यू नो एवरीथिंग, तुमने एमए में थर्ड डिवीज़न में एमए पास कर लिया, लेकिन तुम समझते हो मेरा बहुत बड़ा ज्ञान हो गया क्योंकि मैं एमए हो गया मास्टर ऑफ जो भी सब्जेक्ट पढ़ा के मैं मास्टर फलाने का। और कहते आई से दैट मोर आई नो द मोर द एरिया ऑफ माई इग्नोरेंस वाइडेंस। मैं जितना ज्ञान प्राप्त करता जाता हूँ तभी लगता है कि अभी तो इग्नोरेंस का एरिया बहुत है। मैंने एक जगह पढ़ा कि इंडिया में बड़े वाइज लोग रहते हैं, इंडिया में बड़े ऊंचे ऊंचे विद्वान रहते हैं, तो मेरे मन में आया कि इंडिया क्या है। और मैंने लोगों से पूछा तो इंडिया से कहते ये ऊँट ऊँट आते हैं सामान लेके। तो कहते मेरे दिल में उसी दिन हुआ कि मैं कितना मूर्ख हूँ, मुझे यही पता नहीं कि इंडिया का रूट कौन सा है। तो कहते मैंने इंडिया के रूट के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो कहते मोर आई नो द मोर द एरिया ऑफ माई इग्नोरेंस वाइडेंस। तो अब ये सोफिस जो थे इनका क्या योगदान था जिन्होंने, ये हम देखेंगे सोफिस कैसे थिंकर थे। और सोफिस ने जो आदमी वो मेटेरियलिज्म की तरफ सोच रहे थे उसमें और दो एक आदमी के नाम आएंगे अभी, क्योंकि मेटेरियलिज्म का बड़ा प्रभाव था आए, लेकिन सोफिस के साथ साथ ही आए हैं, कंटेम्प्रेरी थे वो सोफिस। तो उन आदमियों को जो मेटेरियलिस्ट थिंकर थे अभी एनेक्जामिन्स वगैरह के साथ साथ और लोग भी आएंगे, तो एक दो आदमी ऐसे भी हैं जिन्होंने सबसे पहली बात ये सोची कि भाई ये मूवमेंट कहाँ से आता है, अगर मैटर जो है सारा तो कहाँ से मोशन कहाँ से आता है। तो ऐसे लोगों ने सोचा अभी हम थिंक करेंगे। लेकिन सोफिस्ट का क्या योगदान है, जो साधारण मदरसे चलाते थे उनका बहुत बड़ा योगदान है, उस पर भी विचार करेंगे। तो ग्रीक फिलोसफी में हर चीज़ के बीज वहीं मौजूद हैं, उसी को ले लेके आज अगर ह्यूमनिज्म आज सारा डेवलप हो रहा है तो उसके बीज सोफिस्ट में मौजूद होंगे। मेटीरियलिज्म आज डेवलप हो रहा है यूरोप के अंदर तो सारे आयोनिया से शुरू होंगे। अगर वहाँ कोई चीज़ माइंड की बात आई है तो वो आगे जाके इन्होंने इन ग्रीक थिंकर्स ने माइंड को कहाँ इंट्रोड्यूस किया, तो ग्रीक थिंकर्स ने ही सोचना शुरू किया था, उसको सारे यूरोप में फैलाया। तो अभी हम बहुत लंबा चौड़ा काम है ग्रीक इनका, इनकी देन तो है। तो चलो देखेंगे, क्योंकि बहुत थिंकर हैं, बड़े बड़े थिंकर आएंगे।